जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर कि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन के साथ पुलिस ने 5 किलो IED भी बरामद किया है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर पर हुए हमले को अभी महीना पूरा नहीं हुआ कि जम्मू में एक बार फिर से आतंकियों ने अपनी ओछी हरकतें शुरू कर दी है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने जम्मू के अखनूर में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद की इस हरकत का जवाब मुंह तोड़ दिया है। सुरक्षा बलों को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि जैश के ड्रोन भारत की सीमा की ओर बढ़ने वाला है, सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए रात भर गश्त दी और ड्रोन के देखते ही उसे ढेर कर दिया। जैश ए मोहम्मद ड्रोन के जरिए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जम्मू पुलिस की टीम एक वहाँ गई और उन्होंने वहाँ पे एम्बुश लगाया और तकरीबन 1 बजे रात को एक ड्रोन नज़र आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक़्त वो नीचे आया, पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। जानकारी के मुताबिक ड्रोन की लंबाई 6 फीट थी और इसका वजन 17 किलो था। ड्रोन के पार्ट्स चीन, ताइवान और हांगकांग में बनाए गए थे। ड्रोन ने भारतीय सीमा में करीब 8 किलोमीटर अंदर तक प्रवेश भी किया। इस ड्रोन को मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने AK-47 का इस्तेमाल किया। ड्रोन से 5 किलो का IED बरामद किया गया है। इस ड्रोन में 10 किलो विस्फोटक सामान ढोने की क्षमता थी। ड्रोन में GPS और फ्लाइट कंट्रोलर भी लगाया गया था। बता दें, पिछले साल कठुआ में भी सुरक्षा बलों ने एक ड्रोन को मार गिराया था। कठुआ और अखनूर में मिले दोनों ड्रोन में सिर्फ एक सीरियल नंबर का फर्क है। तो इस ड्रोन के गिराने से हमें उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा हादसा जो जम्मू में हो सकता था, जो कि एक आईडी धमाके के द्वारा किया जा सकता था, उसको रोक दिया गया है। और साथ ही साथ आगे के कुछ ड्रोन शॉटिस जो इस ड्रोन के जरिए होते, उन पे भी रोक लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 1.5 साल में जम्मू कश्मीर में ड्रोन से कई हथियार गिराए गए। भारतीय सेना ने कई बार ड्रोन से करेंसी बरामद की। भारतीय सेना अब तक 4 लाख करेंसी बरामद कर चुकी है। सुरक्षा बलों ने इस ड्रोन को ढेर कर जम्मू को एक बड़े खतरे से बचाया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।